हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कि वीएस के ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आज रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं एक बच्चे का कि किस तरह से केवीएस में रजिस्ट्रेशन किया जाना है। उसके लिए हम सबसे पहले केवीएस का ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल खोलेंगे। केवीएस ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल लिखते ही जो पहला लिंक आएगा वही केवीएस का ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल का लिंक है, ठीक है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखिए, जैसे ही पोर्टल ओपन होगा, पोर्टल के ओपन होते ही न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, तो हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। उस पर हम क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन हो जाती है। फिर से आप देखेंगे वहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है एडमिशन के रिगार्डिंग। आप इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी आगे चलना है, उससे पहले नहीं। जब आप सभी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेंगे और समझ लेंगे अच्छे से, हर एक इंस्ट्रक्शन को डिटेल में दिया हुआ है। आप एरो मार्क जो आपको दिख रहा है, आप जैसे ही एरो मार्क पे क्लिक करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो खुल के आ जाएगी, पूरा एलोबरेट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि ये पोर्टल क्लास वन के एडमिशन के लिए है और जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्लास वन के एडमिशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अभी हम गाइडलाइंस पढ़ने जा रहे हैं। हमने जैसे ही लिंक पे टच किया है तो गाइडलाइंस ओपन हो चुकी है, जो हमारी इस साल की एडमिशन गाइडलाइंस हैं, एडमिशन गाइडलाइंस फॉर 2024 एंड 25 एंड ऑनवर्ड्स। इसमें कुछ चेंज हुआ है एडमिशन गाइडलाइंस पे अब की बार थोड़ा सा, तो पेरेंट्स देख सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो, ठीक है। इसमें पहले कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं एक तरह से। गाइडलाइंस में भी बताया हुआ क्या कुछ है, क्या एज क्राइटेरिया है, कितनी सेंक्शन स्ट्रेंथ है और कौन कौन बच्चा किस एज ग्रुप में किस किस क्लास में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इससे रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ कि क्लास वन में जो बच्चे की एज है वो 6 साल होनी चाहिए कम से कम, और 8 साल से छोटा होना चाहिए बच्चा। ऐसे ही सेंक्शन स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं 32 है अब की बार, और बाकी भी चेंज है काफ़ी कुछ। और जैसे कोटा है, परसेंटेज तो वही है कोटे की, जैसे जो RTE है, DA है, OBC NCL है, SC ST वगैरह का जो भी है, और बाकी ये दिया हुआ है पूरा ड्रॉ फ्लोट्स का, स्पेशल प्रोविजंस भी दिए हुए हैं, बाकी बहुत कुछ है पढ़ने को। बट अगर आप नहीं पढ़ना चाहें तो ज़रूरी भी नहीं है, आप जब फॉर्म भरेंगे तो सारा सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है, वो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो इंस्ट्रक्शन पेज से। इंस्ट्रक्शन पेज पे एरो मार्क आप जब भी करेंगे क्लिक, वो पता चल जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए। मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए वैलिड, बच्चे का एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, स्कैन फोटोकॉपी होनी चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट की, ठीक है। और अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बच्चा बिलोंग करता है तो उसका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर पेरेंट्स सर्विस करते हैं तो सर्विस कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए हमें सबसे पहले बच्चे की कुछ डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, ठीक है। पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके हमें करना है, जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन में आए हुए हैं हम, पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ के फिर हम ये जो टिक बॉक्स है उसको टिक करेंगे कि आई मैंने इसको जो इंस्ट्रक्शन है उनको अच्छे से पढ़ लिया है। आपको कहीं भी जितने ये इतने सारे एरो मार्क्स दिख रहे हैं तो आप इनको एक्सपेंड कर करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जिसमें भी आपको डाउट हो देख लीजिए, थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है, समझाया हुआ है कि आपको कैसे क्या कुछ करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़े लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। पहले ये पढ़ लीजिए इंस्ट्रक्शन अच्छे से कि कहाँ क्या कुछ करना है, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे। पहले रजिस्ट्रेशन है जैसे, उसके बाद लॉगिन करना है आपको। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ स्टेप्स हैं, जैसे बेसिक डिटेल्स हैं, फिर पेरेंट्स की डिटेल है वो भरनी है। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे, ठीक है। जब आप पूरी तरह से इंस्ट्रक्शंस पढ़ के आपको ये लगे कि हम फॉर्म फिल कर सकते हैं तो आप उस पर क्लिक करके आएंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम फर्स्ट नेम भरेंगे चाइल्ड का, जैसे मान लो बच्चे का नाम सानवी है तो सानवी भरा हमने। अब मिडल नेम है, मान लो श्रेया है, तो हम यहाँ मिडल नेम में टाइप करेंगे बच्चे का नेम। टाइप कर रहे हैं एक बार,
थोड़ा सा टाइम लग रहा है पोर्टल पे काम करने में। आप सबको ये ध्यान रखना कि जो भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ भरने जा रहे हैं वो रियल होनी चाहिए, कहीं भी स्पेलिंग एरर नहीं होनी चाहिए। जो बच्चा है वो डिफरेंटली एबल्ड नहीं है। उसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ मैं टेम्प्रेरी भर रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए फिल कर रही हूँ ये, तो मैं डेट ऑफ बर्थ भर रही हूँ जैसे आपके सामने आपको दिख रहा है। बट जो मैंने डेट ऑफ बर्थ भरी है वो उसके अकॉर्डिंग वो वैलिड नहीं है, क्योंकि जो CWSN चाइल्ड हैं उनके लिए तो 2 साल का एज रिलैक्सेशन है, बट जो डिफरेंटली एबल्ड नहीं है, CWSN चाइल्ड नहीं है, उनके लिए नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे हम। तो जैसे मैंने आपने देखा मैंने 2015 फिल की हुई है डेट ऑफ बर्थ में ईयर, तो ये मुझे चेंज करना पड़ेगा 15 की जगह पे, क्योंकि देखो आप नीचे देख सकते हैं वो वहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया उन्होंने कि सिर्फ 2 साल का रिलैक्सेशन CWSN चाइल्ड को मिलेगा, दूसरे को नहीं। तो मैं 15 की जगह पे 17 कर देती हूँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मैंने 17 कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि भाई हमें क्या चूज करना है, ये आप देख सकते हैं कि क्या जो पेरेंट्स हैं वो केंद्रीय विद्यालय में जॉब करते हैं या नहीं। तो नॉट एप्लीकेबल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ईमेल आईडी, यहाँ पे ईमेल आईडी मैं अपनी भरने जा रही हूँ। थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है कोडर। ईमेल आईडी के बाद हम भरेंगे मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर भरने के बाद हम कैप्चा फिल करेंगे। ठीक है, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बनाई हुई है मेल आईडी वगैरह कि सबको क्लियरली समझ आ जाएगी। अभी कैप्चा भरने के बाद हम क्या करेंगे, फिर रजिस्टर करेंगे। कैप्चा और फिल कर देते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हमारा हो जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होने जा रही है बट आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि कैसे हमें रजिस्ट्रेशन करना है। आप इसी तरीके से मोबाइल से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप देखिए जैसे यहाँ पर इनवैलिड कैप्चा आ गया, तो यानी मैंने कैप्चा भरने में कहीं गड़बड़ की है। तो एक बार कैप्चा दोबारा से भर के देखते हैं, टाइप करते हैं। थोड़ा मेरी टाइपिंग स्पीड कम है, इतनी फास्ट नहीं है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। कोई बात नहीं, हो जाएगा, बट क्लियरली समझ आना चाहिए। मेरा मोटिव यही है कि आप सबको समझ आ जाए। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया, समझो अभी थोड़ा टाइम लग रहा है रजिस्ट्रेशन। वाह, होने जा रहा है। अभी OTP भर आ गया होगा, हमारे मोबाइल नंबर पर आ चुका है OTP, जो मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। अब मैं OTP वहाँ से फिल करूँगी। अगर OTP नहीं आता है तो आप रीसेंड OTP का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, बट OTP आ चुका है। तो हम OTP भरने के बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे, और कैप्चा फिल करने के बाद हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस हम करेंगे, पहले रजिस्ट्रेशन पूरा कर देते हैं एक तरह से। हाँ जी, अभी रजिस्टर थोड़ा चल रहा है हमारा, हो गया रजिस्ट्रेशन हमारा। आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल आ चुकी है, बच्चे का नाम, जो लॉगिन कोड है वो हमें मिल चुका है, और डेट ऑफ बर्थ चाइल्ड की जो मैंने भरी थी टेम्प्रेरी, और मोबाइल नंबर वगैरह आ चुके हैं। तो इन्हीं से हम क्लिक करके जाएंगे दोबारा से पोर्टल पर। लॉगिन करना पड़ेगा हमें फिर से, ठीक है। लॉगिन करने के बाद ही हम आगे की डिटेल्स फिल कर पाएंगे, क्योंकि न्यू रजिस्ट्रेशन किया था ना, तो इसलिए फिर लॉगिन करना पड़ेगा दोबारा आगे का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को। अभी देखते हैं, इसको हम प्रिंट भी करके रख सकते हैं, प्रिंट का ऑप्शन करेंगे, बट मेरे पास अभी प्रिंटर अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको सेव एज PDF कर सकती हूँ। तो हम इसको PDF की फॉर्म में सेव कर सकते हैं। ये हो रहा है सेव। हाँ जी, इसके बाद हम फिर से पोर्टल पे जाएंगे और लॉगिन करेंगे। इसको जिस नाम से चाहें हम सेव कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट नेम आया है तो डिफ़ॉल्ट नेम से भी सेव कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी तरफ पसंद का कोई नाम दे सकते हैं उसको, जिससे बच्चे की पहचान रहेगी, हाँ ये उस बच्चे का आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का फॉर्म है, प्रीव्यू है। इसके बाद हम फिर से लॉगिन पेज पे आ गए हैं। लॉगिन पेज पे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो हमें जो लॉगिन कोड मिला हुआ है बच्चे का, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। जैसे जो भी बच्चे का लॉगिन कोड हमें मिला हुआ है रजिस्ट्रेशन के दौरान, जो मैंने आपको कहा था कि आपको या तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है या PDF बना के आप सेव करके
रख सकते हैं। फिर डेट ऑफ बर्थ भरेंगे बच्चे की, जो डेट ऑफ बर्थ हमारी उसमें मेंशन है, ठीक है, जो भी बर्थ सर्टिफिकेट हो वही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और वही फॉर्म रजिस्ट्रेशन के दौरान होनी चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ आपने गलत भर दी तो दिक्कत हो सकती है, तो ध्यान से फिल कीजिएगा फॉर्म को। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद हम मोबाइल नंबर भरेंगे, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है हमारा। रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर भरने के बाद हम कैप्चा फिल करेंगे और कैप्चा फिल करने के बाद हम लॉगिन पे प्रेस करेंगे। लॉगिन पे प्रेस करने के बाद हमारा ये बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला पेज खुल जाएगा, जो मैंने ऑलरेडी फिल थी रजिस्ट्रेशन के दौरान वो खुली हुई है और कुछ मैंने सिलेक्ट कर लिया है, जैसे फीमेल का ऑप्शन सिलेक्ट किया है मैंने, गर्ल है तो फीमेल को सिलेक्ट किया है। ये ऊपर वाली डिटेल जो आप देख रहे हैं थोड़ी ग्रे मार्क्ड है, ये ऑलरेडी फिल थी पहले ही, फीमेल ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया है। उसके बाद पूछा है कि भाई जो परिवार का जो फैमिली इनकम ग्रुप है वो कैसा है, कि भाई बिलोंग करता है BPL से या EWS से या बिलोंग नहीं करता है, तो मैंने पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। उसके बाद जो कास्ट कैटेगरी है, जनरल है, OBC है, SC है, ST है, जिस भी कैटेगरी से बच्चा बिलोंग करता है वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जब हमारा ये कैटेगरी सिलेक्ट हो जाएगी, उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है जो बच्चे का ब्लड ग्रुप, ठीक है। अगर EWS वगैरह या BPL वगैरह आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके लिए और डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी, वो आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट नंबर वगैरह जो सर्टिफिकेट में जो डिटेल्स होती हैं वो फिल की जाती हैं। अब ये वाला पेज एक बार प्रॉपरली चेक करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आप सेटिस्फाइड हैं पूरी अच्छी तरह से तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा आप देखेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम पहुंच गए हैं पेरेंट डिटेल्स में। अब यहाँ पे मदर की डिटेल्स और फादर की डिटेल्स फिल की जाएंगी। जैसे मैंने टेम्प्रेरी नेम फिल किया हुआ है, मतलब एक तरह से इमेजनरी भरा हुआ है, ये रियल नेम नहीं है किसी का, मतलब किसी बच्चे के मदर फादर से बिलोंग नहीं करता है। अगर वैसे ही किसी के साथ कोइंसिडेंस होता है तो अलग बात है। जैसे मैंने मम्मी का नाम भरा है, टाइटल ये टाइटल में मिसेज भर दिया और सुमन, उसके बाद जो फादर है वो मिस्टर अजय, नेशनलिटी इंडियन। उसके बाद हमसे ऑप्शन पूछा गया है कि क्या आप दोनों के लिए सेम एड्रेस फिल करना चाहते हैं मदर फादर के लिए। अगर आप चाहें तो मदर फादर दोनों के लिए सेम एड्रेस फिल कर सकते हैं, या आप अलग अलग, अगर सेम करना है तो हाँ पे कीजिए, नहीं करना है तो नहीं पे क्लिक करेंगे, तो दोनों का अलग अलग फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप यस पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप जो भी पहले वाले ऑप्शन में फिल करेंगे वही ऑटोमेटिक सेकंड वाले में, मतलब फादर के एड्रेस में फिल हो जाएगा, ठीक है। पेरेंट्स की डिटेल भरने के बाद हम एड्रेस फिल करेंगे। एड्रेस जैसे मैं टेम्प्रेरी भर रही हूँ नियर बाय, जैसे केवंझर उड़ीसा स्टेट का मैंने एड्रेस भरा है, केवंझर डिस्ट्रिक्ट फकीरपुर वैसे भर दिया है। पिन कोड मुझे नहीं पता यही है या नहीं, पर 7580 से स्टार्ट 75 से स्टार्ट होता है मोस्टली, तो मैंने टेम्प्रेरी 7582 भर दिया है। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भर देनी है सबको। मोबाइल नंबर एक अल्टरनेट जरूर रखना अपना, कई बार एक नंबर मिलता नहीं है तो दूसरा वो किया जा सकता है। फिर मदर और फादर का पूछा गया कि वो करते क्या हैं, जैसे मदर का मैंने फिल कर दिया हाउसवाइफ और फादर का भर दिया है सर्विस कैटेगरी। सर्विस आप मदर अगर जॉब करते हैं तो मदर का भी आप सर्विस बोल भर सकते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन पूछी जाती है कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं, जैसे मदर का तो हाउसवाइफ फिल किया है तो ऑर्गेनाइजेशन भरने की कोई ज़रूरत है नहीं। फादर का मैंने जैसे सर्विस भरा है तो मैंने CRPF, मान लो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो CRPF में, आर्मी में जॉब करते हैं मान लो तो CRPF जो उनकी इंस्टीट्यूशन है वो भर दिया मैंने, ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद हम फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे फिर भी कहीं कोई एरर तो नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम जो स्कूल्स हैं, चॉइस ऑफ स्कूल्स, हम तीन चॉइस फिल कर सकते हैं। पहली मैं भर चुकी हूँ, KV आनंदापुर जो नियर बाई है तो वो मैंने भर दिया है। जैसे पहले मैंने स्टेट सिलेक्ट की है, स्टेट में मैंने उड़ीसा सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जो भी नियर बाई KV लगता है मुझे वो मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ, ऐसे ही आप अपना कर लेना। जिसमें KV आनंदापुर सिलेक्ट किया है पहले नंबर पे, उसके बाद उसकी डिटेल आ जाएगी KV की ऑटोमेटिक। फिर इन्होंने पूछा है कि वो डिस्टेंस कितना है स्कूल से जो आपने एड्रेस दिया है, कि वो विदिन 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर या 5 से कम है या 5 से ज़्यादा है, तो आप जो भी आपको लग रहा है अपना गूगल करके देख लेना मैप, गूगल मैप से कि कितना डिस्टेंस है, और रेडिकल डिस्टेंस चेक किया जाता है। अगर वो विदिन 5 किलोमीटर के रेडियस में आ जाता है तो आप उस पर क्लिक करेंगे और आप RT के लिए एलिजिबल
हो जाएंगे। बट अगर वो 5 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी है तो आप मोर देन 5 किलोमीटर वाला सिलेक्ट करेंगे और आरटी की कैटेगरी में नहीं आएंगे। बट ये ध्यान रहे कि आपको ट्रूथ ही भरना है। उसके बाद जो पेरेंट्स हैं उनसे रिलेटेड लेकिन वो भरना है आगे कि उनकी सर्विस कैटेगरी क्या बिलोंग करती है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है आप देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया है कि भाई आप किसको कंसीडर करेंगे, मदर को या फादर को, और फिर वो किस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। तो मैंने फादर का कंसीडर किया है और उनकी कैटेगरी 1 आएगी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, और कंसीडर में मैंने फादर की ही वो डाला है। मदर तो हाउसवाइफ है इसलिए मैंने फादर को किया है। अगर किसी के नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब में तो आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या नंबर ऑफ ट्रांसफ़र से रिलेटेड पूछा जाएगी इन्फॉर्मेशन, वो हम भरेंगे। आगे देखिए, अभी नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र जो हैं वो लास्ट 7 ईयर के अंदर के देखे जाते हैं, यानी पिछले 7 सालों में कितने ट्रांसफ़र हुए हैं, और एक जगह रहने की अवधि कम से कम 6 महीने होनी चाहिए, और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच की दूरी कम से कम 20 किलोमीटर होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी कई बार थोड़ा नेटवर्क स्लो हो जाता है तो थोड़ा कम काम करता है। अभी आगे देखने जा रहे हैं, आप ध्यान से पढ़ना। वैसे इंस्ट्रक्शन जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई है पेज के ऊपर वो थोड़ा ध्यान से फिल कीजिएगा। अब हाँ जी, हमने जैसे ही हाँ किया कि नंबर ऑफ ट्रांसफ़र हैं 7 ईयर्स के दौरान, तो वहाँ पे हमारी ट्रांसफ़र डिटेल्स भरने के लिए आ गई। अगर हम नो करेंगे तो वो नहीं आएगा। तो इसमें आप ट्रांसफ़र डिटेल्स जो भी कॉलम्स दिए हुए हैं आपके ट्रांसफ़र से रिलेटेड, जो भी इंस्टीट्यूशन है, कहाँ आपकी पोस्टिंग थी, किस स्टेशन पे, कहाँ से आपका ट्रांसफ़र कहाँ पे हुआ, कितना डिस्टेंस है दोनों स्टेशन्स के बीच में, और कितना स्टे रहा, तो वो सारा इसमें, और जो आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर है वो भी भरा जाएगा। अगर किसी के एक से ज़्यादा ट्रांसफ़र है तो वो ऐड करके आप अलग से भर सकते हैं। जितने भी ज़्यादा ट्रांसफ़र हो आपको शो करना ज़रूरी है, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांसफ़र्स होते हैं आपको उतनी ही प्रायोरिटी मिलती है। अगर नहीं है तो रहने दें, ठीक है। अगर है तो फिल ज़रूर करें अपने, बाकी हम इनको डिलीट हटा देते हैं। मैं नो ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहूँगी इसमें, क्योंकि अभी मेरे पास किसी की डिटेल नहीं है, तो हम नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम फिर आगे नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद अब हमारा ये 4th पेज आ गया है। बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारी हो चुकी, पेरेंट डिटेल हो चुकी है, चॉइस ऑफ स्कूल्स। हाँ जी, हमारी 2 चॉइस तो हमने फिल की ही नहीं, एक ही चॉइस की ना, हमारे पास 3 चॉइसेज हैं भरने के लिए, वो हम भरेंगे एक बार प्रीवियस में जाके। तो भर लेते हैं हम, 2 चॉइसेज जब हैं तो क्यों छोड़े हम। सेकंड जो विद्यालय हम सिलेक्ट करते हैं, विद्यालय नंबर 2 पे, वही स्टेट हम, अगर हम किसी और स्टेट में अप्लाई करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे उड़ीसा स्टेट ही सिलेक्ट करूँगी। तो उड़ीसा स्टेट सिलेक्ट करने के बाद मैं केवी जो है नियर बाई देखती हूँ, केवी व्यासनगर सर्च कर लिया मैंने, केवी व्यासनगर, उस ये हमारा इसके रिलेटेड डिटेल आ गई है केवी व्यासनगर से रिलेटेड। उसके बाद डिस्टेंस पूछा गया है, डिस्टेंस तो वही मोर देन 5 किलोमीटर हो गया, जो हमारा एड्रेस फिल है मोर देन 8 किलोमीटर हो गया, तो हम सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। फिर वही उसके बाद ट्रांसफ़र डिटेल्स ही पूछी जाती हैं, वही सेम प्रोसीजर है यहाँ पे भी, अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं है तो ना कीजिए। हाँ है तो डिटेल अवश्य भरनी पड़ेगी आपको, ठीक है, नहीं तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। और फिर अगर ये भी ध्यान रखना, अगर मदर फादर दोनों ही सर्विस में हैं तो दोनों की डिटेल्स भरिए, बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। और किसको कंसीडर किया जाना ये भी पूछा जाता है, अगर दोनों जॉब में है तो मदर को या फादर को किसको कंसीडर आप करना चाहेंगे, तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे हम तीसरा विद्यालय सिलेक्ट करने जा रहे हैं उड़ीसा में ही, और तीसरा विद्यालय मैं सिलेक्ट करने जा रही हूँ केवी भद्रक। तो अभी देखते हैं, वो भी थोड़ा पास में है, तो देखते हैं इधर से विद्यालय की लिस्ट आने में केंद्रीय विद्यालय भद्रक को सिलेक्ट करते हैं। फिर से वही प्रोसीजर है जो हमारा केवी आनंदापुर और केवी व्यासनगर के सिलेक्शन के बाद प्रोसीजर था, वही है, बट थोड़ा डिस्टेंस का रहता है, वो आरटी के अकॉर्डिंग रहता है, कहीं 8 किलोमीटर का, कहीं 5 किलोमीटर का रहता है। उसके बाद कैटेगरी ऑफ पेरेंट्स जो भी था हमारा, जो सर्विस कैटेगरी वो 1 ही है, और यहाँ पे हम चूज करेंगे अभिभावक का
जो है फादर के लिए को सिलेक्ट करेंगे और नो किया, नेक्स्ट पे गई। फिर आगे हमारा वही चूज फाइल, हमें बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है यहाँ पे और बच्चे का पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो कि मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो वहीं से मैं हम अपलोड करेंगे इसको। बच्चे का पहले बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं, एक बार सिलेक्ट करते हैं, इस पर चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद हमारा जो है वो फाइलें खुल जाएंगी एक तरह से, फाइल ब्राउजर खुल गया है। अभी मैंने जैसे डाउनलोड किया हुआ है उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, तो मैं सिलेक्ट करती हूँ और उसके बाद उस बच्चे का फ़ोटो वो भी सिलेक्ट कर लिया और अपलोड करेंगे। करने के बाद उसको अपलोड कर देंगे, दोनों ही चीज़ों को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद मैसेज आ रहा है, अभी जैसे फर्स्ट पे हमने अपलोड पे क्लिक किया है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, तो वो डन हो गया सक्सेसफुली, हमारा अपलोड हो गया है। उसके बाद हम फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, फ़ोटो के अपलोड पे क्लिक करेंगे तो फ़ोटो भी हमारा अपलोड होने वाला है। अभी जस्ट वेट। हाँ जी, फ़ोटो में थोड़ा टाइम लगा रहा है, अभी थोड़ा देखते हैं। हाँ जी, प्रोसेस चल रही है, ये भी हमारा अपलोड होने वाला है। या ब्राउजिंग चल रही है, यस। हाँ जी, अपलोड हो चुका है हमारा फ़ोटो भी। इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आई है, के वी आनंदापुर, के वी व्यास नगर और के वी भद्रक के नाम से, कि अगर आप इनमें से किसी भी के वी से आपके पास कॉल आती है तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर दिखाने पड़ेंगे जिनके बिहाफ पे आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं। ये सारा आप हमारा एक तरह से पूरा फिल हो चुका है फॉर्म। इसके बाद हम इसका प्रीव्यू देखते हैं एक बार, पहले देख लेते हैं थोड़ा, कहीं कुछ कम ज़्यादा तो नहीं हुआ है। पढ़ लीजिएगा पूरा इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे और फिर हमारा डिक्लेरेशन एंड सबमिट, आपने डिक्लेयर करना है कि हाँ भाई मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ सही है, और ये टिक बॉक्स को आप टिक करेंगे एंड सेव एंड प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे। ये क्लिक करना है पहले आपको ध्यान से कि भाई मैंने पढ़ लिया है। उसके बाद एक बार देख लीजिएगा फिर भी ध्यान से, कहीं कुछ एरर तो नहीं है। अगर आपको लग रहा है बिल्कुल, जब आप पूरी तरह अच्छे से कन्विंस हो जाए तो ही आप फॉर्म को फाइनल सबमिशन करना। पहले एक बार प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे, प्रीव्यू देखते हैं पहले ध्यान से एक बार, देख लीजिएगा इंस्ट्रक्शंस वगैरह ध्यान से। हाँ जी, हमने दोबारा से देख लिया है पूरे फॉर्म को एक बार, फिर से सेव एंड प्रीव्यू, प्रीव्यू एंड इस पर क्लिक करके हम प्रीव्यू एक बार देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लिक करने के बाद हमारा प्रीव्यू वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। उसके बाद हम प्रीव्यू देखेंगे, प्रीव्यू आने वाला है अभी, प्रीव्यू हमारा हाईलाइट हो गया तो हमारा फॉर्म का प्रीव्यू आ गया जो हमने फॉर्म फिल किया है। फर्स्ट ऑप्शन में हमने के वी आनंदापुर सिलेक्ट किया गया है तो किया है तो पहला फॉर्म के वी आनंदापुर का। दूसरे ऑप्शन में हमने सिलेक्ट किया है के वी व्यास नगर, और उसके बाद तीसरे ऑप्शन में हमने सेलेक्ट किया है के वी भद्रक। तो ये हमने पूरा फॉर्म देख लिया है एक बार, आप इसका हार्ड कॉपी निकाल के भी चेक कर लीजिएगा, कहीं कुछ एरर तो नहीं है, तभी फाइनल सबमिशन करना। अब हम तो चेक कर चुके हैं इसको ध्यान से, तो हम इसको अभी फाइनल सबमिट करने जा रहे हैं। हाँ जी, यस, अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ गया है। इसके बाद हम सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। सबमिट एप्लीकेशन करने के बाद एक बार फिर से वार्निंग आएगी कि भाई आप श्योर हैं, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन, कि भाई हाँ आप कंफर्म है या नहीं, अगर नहीं है तो नो कैंसिल कर सकते हैं आप भी, अगर हैं तो यस सबमिट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यस सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा फिर से, तो यस सबमिट पे हम क्लिक कर रहे हैं। अब हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी पहुंच चुका है, वहाँ से हम ओटीपी फिल करेंगे और उसके बाद जैसे ही हम ओटीपी को वेरीफाई करेंगे हमारा फाइनल सबमिशन हो जाएगा। हाँ जी,
अभी हमने OTP फिल कर दिया है, इसको वेरीफाई कर देते हैं एक बार। हाँ जी, हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, जैसे कि मैसेज आ गया है हमारा। अभी हम इसका प्रिंट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और लेना ही चाहिए, ले सकते हैं नहीं, प्रिंट एप्लीकेशन। तो प्रिंट एप्लीकेशन पे हम जब क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा फॉर्मेट आ जाएगा निकल के, बट हमारे पास प्रिंटर अभी कनेक्ट नहीं है, तो हम इसका सेव एज PDF ही करेंगे। बट ये, और एक बात ध्यान रखना कि जो आपको ये सबमिशन कोड मिला है, ये बड़ा ध्यान से नोट करके रखना है, एप्लीकेशन सबमिशन कोड जो है, ठीक है, बहुत काम का है। इसको सेव कीजिएगा इस पेज को, और प्रिंट कीजिएगा एप्लीकेशन को। आप देख सकते हैं कि हमने प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दिया है, पर थोड़ा सा जैसे सर्वर बिजी है, अभी स्टार्ट हुए हैं एप्लीकेशन, तो पहला दिन है, तो पहले दिन सबको होती है, थोड़ा हरी होती है। तो ये हमारा अभी प्रिंट प्रीव्यू का आ रहा है, हम प्रिंटर हो तो हम प्रिंट भी ले सकते हैं डायरेक्ट, बट हम इसको सेव एज PDF ही करेंगे। अभी हमारा PDF खुलने जा रहा है, ये खुलने जा रहा है प्रिंट प्रीव्यू। मैंने जैसा कि सेव एज PDF पहले से ही सेट करके रखा हुआ है, तो इसके बाद हम इसको पूरा ही प्रीव्यू ओपन होने के बाद इसको जिस नाम से चाहें सेव कर सकते हैं आप, ठीक है, सेव करें। ये इस तरह से हमारा फाइनल जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। ये हमारा प्रिंट आउट भी आ चुका है, ठीक है। हाँ जी, कुछ एरर दिखा रहा है, हाँ, अरे इस नाम से तो एक फाइल पहले ही सेव है, तो थोड़ा सा नाम में मैं चेंज कर देती हूँ, नाम में थोड़ा सा इस बच्चे के नाम से मैंने पहले एक सेव किया हुआ है, तो मैं यहाँ 2 डाल देती हूँ और इसको सेव कर देती हूँ। हाँ जी, ये हमारा हो चुका है पूरा फॉर्म। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। धन्यवाद।